हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज आज का चैप्टर है हमारा फ्लूड मैकेनिक्स का फ्लो थ्रू ओपन चैनल और ये है हमारा लेक्चर थर्टीनथ आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर इसमें हम ओपन चैनल के बारे में और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे फिर हम डिस्चार्ज थ्रू ए चैनल यूजिंग टू फार्मूलास चीजेस फॉर्मूला एंड मैनिंग्स फॉर्मूला, इनके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें हम इन्ह कोई भी डेरीविएसन नहीं किया है डायरेक्ट हमने रिजल्ट का ही यूज़ किया है ठीक है फिर हम इसमें मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शंस इनके बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे रेक्टेंगुलर ट्रेपेज़ोइडल और सर्कुलर भी होते हैं तो उन सभी के बारे हम में हम डिस्कस करेंगे फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हेड लोस इन ओपन चैनल ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर फैक्टर्स ओके इन सभी के बारे में हम, हम इस चैप्टर में इस वीडियो में कवर करेंगे वी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप पूरा बेनिफिट इसका ले सकें और इस वीडियो को आप अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके ओके आइए स्टार्ट कर दें आज की वीडियो इंट्रोडक्शन ओपन चैनल हमारे क्या होते हैं दो टाइप के चैनल होते हैं हमारे एक तो ओपन और एक क्लोज्ड। पाइप्स हमारी होती हैं चारों तरफ से क्लोज तो उनको हम क्लोज कंडक्ट बोलते हैं और ओपन चैनल हमारे होते हैं जो एक तरफ से ओपन होते हैं जैसे कि कोई भी हमारी नदी कोई भी स्ट्रीम कोई भी चैनल कोई भी कैनाल ये सारे हमारे ओपन चैनल होते हैं ठीक है ओपन चैनल इज ए पास पैसेज एट विच लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू एटमोस्फ्रिक प्रेशर ओनली इस पर एटमोस्फ्रिक प्रेशर ही होता है द फ्लो थ्रू ओपन चैनल रिप्रेजेंट फ्लो थ्रू चैनल्स विच आर ओपन टू एटमोसफेयर जो कि एटमोसफेयर में ओपन होती है वो हमारी सब्जेक्ट होती है ओपन चैनल के लिए ठीक है दस ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए चैनल अंडर एटमोसफियरिक प्रेशर इज़ नोन एज फ्लो थ्रू एन ओपन चैनल उसी को हम फ्लो थ्रू एन ओपन चैनल बोलते हैं एग्जाम्पल्स जो हमारे हैं रिवर्स कैनाल्स स्ट्रॉम वाटर ड्रेनस एक्सेट्रा ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं फॉर सर्कुलर पाइप इज़ आल्सो सेड टू बी ओपन चैनल फ्लो हम सर्कुलर पाइप्स को भी ओपन चैनल फ्लो बोल देते हैं क्यों जब हमारा पाइप फुल रन नहीं कर रहा होता है ठीक है यानी कि पाइप फुल्ली भरा हुआ नहीं होता है पानी से तब हम उसको ओपन चैनल बोल सकते हैं क्योंकि उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा टॉप लेयर होगा पानी का उस पर एग्जैक्ट होता है तो उसको भी हम ओपन चैनल बोल सकते हैं अब हमारे जो ओपन चैनल काफ़ी सारे शेप के होते हैं जैसे रेक्टेंगुलर सर्कुलर ये सर्कुलर इसमें देखा आपने हाफ पानी यानी कि पाइप का हाफ एरिया भरा हुआ है और ओपन है ये एटमॉस्फेयर में तो इस पर एटमोसफेरिक प्रेशर भी अप्लाई है और ये आधा भरा हुआ है तो इसको भी हम ओपन चैनल बोलते हैं फिर है ट्रेपजोडल सेप फिर है वी टाइप की ट्रैंगुलर शेप ये सारे शेप हमारी होती हैं ओपन चैनल की ठीक है अब आते हैं फ़ायदे एप्लीकेशंस ऑफ ओपन चैनल इसको हम क्यों स्टडी करते हैं फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज ऑफ कैनाल और रिवर रिवर और कैनाल में कितना पानी आता है उसको कैलकुलेट करने के लिए डिज़ाइन ए कैनाल टू कैरी ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एक कैनाल में कितना पानी आ सकता है और कितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको डिज़ाइन करने के लिए एस्टिमेट द एरिया ऑफ सबमर्जेंस ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम डैम के कंस्ट्रक्शन करते वक्त उसमें कितना पानी कितने एरिया को सबमर्ज कर देगा तो उसके लिए भी हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं वापस का भी यूज़ करते हैं एस्टिमेशन द अमाउंट ऑफ सेडिमेंट कैरिड बाय द कैनाल और चैनल कैनाल Can, और चैनल में कितना सेडिमेंट कितना पानी के साथ आ सकता है कितना डस्ट पार्टिकल आ सकते हैं सेडिमेंट्स तो उसको भी कैलकुलेट करने के लिए और स्टडी द स्प्रेड ऑफ पोल्यूटेंट्स इन रिवर रिवर में पोल्यूशन फैलता है जो वाटर पोल्यूशन होता है उसको भी स्टडी करने के लिए हमें ओपन चैनल की स्टडी करनी होती है ठीक है अब क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल्स क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल्स चैनल्स हमारे किस किस टाइप के होते हैं फर्स्ट है प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल सेकंड नेचुरल एंड आर्टिफिशल थर्ड रिजिड बाउंड्री एंड मोबाइल बाउंड्री इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आइए देखते हैं प्रिजमेटिक चैनल प्रिजमेटिक चैनल क्या होता है ए चैनल इज सेट टू बी प्रिज्मेटिक चैनल इफ द क्रॉस सेक्शन एंड बेड स्लोप डू नॉट चेंज अलोंग द लेंथ ऑफ चैनल ओके इसमें क्या बताया है क्रॉस सेक्शन और स्लोप जो है चैनल का वो चेंज ना हो कॉन्सटेंट रहे काफ़ी लंबी लेंथ के लिए तो उसको हम बोलते हैं प्रिजमेटिक चैनल ठीक है जैसे कि लैब में हम जो फ्लूम्स यूज करते हैं स्टडी के लिए ओपन चैनल की वो हमारा कॉन्सटेंट और प्रिजमेटिक होता है ठीक है जिसमें क्रॉस सेक्शन हमारा यूनिफॉर्म होता है और बेड भी एक स्लोप में फिक्स होता है जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं इसमें सेक्शन वन सेक्शन टू और सेक्शन थ्री तीनों पे हमारा क्रॉस सेक्शन सेम होगा और जो स्लोप है वो बिल्कुल फिक्स होगा ठीक है तो ये हमारा होता है प्रिज्मेटिक चैनल और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है हमारा नॉन प्रिज्मेटिक चैनल जिसमें हर एक सेक्शन पे यानी सेक्शन वन पे सेक्शन टू पे और सेक्शन थ्री पे इसका क्रॉस सेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा ओके और इसका स्लोप भी अलग अलग होगा ठीक है तो इसको बोलते हैं हम नॉन प्रिज्मेटिक चैनल ठीक है ये इसके एग्ज़ाम्पल होते हैं जैसे हमारी नदी होती है नेचुरल रिवर होती है वो हमारे नॉन प्रिज्मेटिक चैनल के एग्ज़ाम्पल होते हैं ठीक है थीके? अब नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल और आर्टिफिशियल ये सभी आपने देखे भी होंगे नेचुरल क्या होते हैं जो प्रकृति बनाती है चैनल को नदी को रिवर्स हमारी होती हैं ये अलग अलग सेप के अलग अलग डायमेंशन अलग अलग साइज़ की होती हैं अलग अलग वाटर केयरिंग कैपेसिटी की होती हैं तो ये हमारी होती है नेचुरल जो कि प्रकृति बनाती है और कुछ हम खुद बनाते हैं जो कि इरिगेशन परपज़ के लिए होती हैं और काफ़ी सारी हमारी नेविगेशन परपज़ के लिए भी होती हैं तो ये होती हैं ये देख सकते हैं आप ये होती है मैन मेड इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल ओके इनकी अलग अलग सेप होती हैं जैसे रेक्टेंगुलर ट्राइंगर ट्रेपेजोइडल ये सारी हमारी सेप होती हैं ओपन चैनल की जो आदमी बनाते हैं ठीक है ठीके? और नेचुरल हमारी होती है नदियाँ अब नेक्स्ट आता है हमारा रिजिड बाउंड्री चैनल एंड मोबाइल बाउंड्री चैनल रिजिड बाउंड्री चैनल क्या होते हैं जिसके हमारे साइड्स और जो हमारा बेड है वो कॉन्क्रीट का हो या फिर ऐसे मटेरियल का हो जो कि फिक्स हो ठीक है तो उसको बोलते हैं रिजिड बाउंड्री और जब हमारा साइड्स ऑफ कैनाल और बेड ऑफ कैनाल फिक्स ना हो यानी कि रिजिड ना हो तो उसको हम बोलते हैं मोबाइल बाउंड्री आप इसमें देख सकते हैं इसमें हमारी जो लाइनिंग है साइड्स की ये कॉन्क्रीट की लाइनिंग है और इसमें आप देख सकते हैं ये अर्दन लाइनिंग है मिट्टी की लाइनिंग है इसमें कोई भी पक्का काम नहीं किया गया है यानी कि लाइनिंग नहीं की गई है तो ये मोबाइल बाउंड्री है और ये है हमारी रिजिड बाउंड्री चैनल ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है वेटेड पैरामीटर इसके बारे में हम पिछले जो हमारा चैप्टर है फ्लो थ्रू पाइप्स उसमें भी डिस्कस किया था इसमें और अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं तो वेटेड पैरामीटर क्या होता है पाइप या ओपन चैनल में जितने एरिया में हमारा पानी पाइप को गीला करता है उसको बोलते हैं वेटेड पैरामीटर ठीक है वेटेड पैरामीटर इज़ द पैराीटर ऑफ द चैनल विच रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद फ्लोइंग वाटर ठीक है फ्लोइंग वाटर के कॉन्टैक्ट में रहता है उसको हम बोलते हैं वेटेड पैरामीटर अब रेक्टेंगुलर का केस अगर लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं पानी इतने एरिया को गीला किया हुआ है ठीक है और इसमें गीला हमारा जो पैरामीटर वो कितना होगा ये साइड हमारी डी ये डेप्थ है और ये है बी ब्रैथ और इस तरफ से जो हमारा पैरामीटर होगा ये भी डी ही होगा तो टू टाइम्स ऑफ डी प्लस बी हमारा होगा वेटड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बी प्लस टू डी हमारा है वेटड पैरामीटर ऑफ रैक्टेंगल चैनल अब अतः सर्कुलर चैनल के लिए जब हमारी रनिंग फुल यानी कि फुल हमारी भरी हुई है पानी से चैनल तो उस केस में वेटेड पैरामीटर क्या होगा सर्कल का पैरामीटर क्या होता है टू पाई आर तो सेम हमारा होगा टू आर वेटेड पैरामीटर और ट्रेपिजॉर्डल के केस में ये आप देख सकते हैं सेम हमारा रेक्टेंगुलर के के केस के इक्विवेलेंट ही होता है ये भी बेड की विड्थ प्लस साइड की टू टाइम्स विथ इसमें बी जो है प्लस टू टाइम्स ऑफ साइड ऑफ चैनल डी अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वेयर ये हमारा है डेप्थ ऑफ वाटर अलोंग साइड ये हमारी ए से डी तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी है डी अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वेयर ओके तो टू टाइम्स ऑफ साइड्स प्लस ब्रेथ हमारी होगी पैरामीटर ऑफ ट्रेपल चैनल ओके अब नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होती है रेसो होती है एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। ये है एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर हमारी होती है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ रेक्टेंगल के लिए जो हमारे चैनल होगा तो उसमें एरिया हमारा क्या होगा b इन डी और वेटेड पैरामीटर जैसे अभी हमने पीछे देखा b प्लस टू डी तो ये हमारा होगा रेक्टेंगुलर चैनल का हाइड्रोलिक मेन डेप्थ इसको हम शो करते हैं एम से ठीक है ऐसे ही सर्कुलर चैनल के लिए एम एरिया हमारा है पाईआर स्क्वायर डिवाइड बाय टू पाई आर इसको जब हम सोल्व करते हैं तो आर बाय टू हमारा आता है वेटेड पैरामीटर ऑफ ए सॉरी वेटेड पैरामीटर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ ए सर्कुलर चैनल ठीक है अब आता है ट्रेपोडल चैनल के लिए इसका एरिया ये है और इसका वेटेड पैरामीटर जो हमने अभी देखा था वो ये था तो ये पूरी पूरा हमारा जो रिलेशन होगा एक्सप्रेशन होगा ये हमारा होगा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ ए ट्रेपजोडल चैनल ओके अब आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है जिसमें डेप्थ स्लोप क्रॉस सेक्शन ऑफ ए चैनल चेंज ना हो अलोंग ए लेंथ लेंथ के वाइज लेंथ वाइज इसकी लेंथ ये डेप्थ स्लोप क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी ऑफ फ्लो चेंज ना हो तो वो हमारा होगा यूनिफॉर्म फ्लो और जिसमें हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाए क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाए वो हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ठीक है तो इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं डेल वाई बाई डेल एस यानी कि वाई का एक्सप्रेशन हमारा है सेक्शन से सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है अलोंग लेंथ और विलोस्टी भी चेंज नहीं हो रही है अलोंग लेंथ को हमने स्पेस से डिफाइन किया है स्पेस एस ठीक है स्पेस से डिफाइन किया है तो विलोस्टी भी चेंज नहीं हो रही है और लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है तो वो हमारा होगा यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म में ये इक्विवेलेंट नहीं होता है जीरो के ठीक है तो ये होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जिसमें स्पेस के अलोंग जब हम जाते हैं तो विलोस्टी सेक्शन एरिया ये सभी चेंज हो जाते हैं तो वो होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ओके अब हमारे जो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होते हैं वो फर्दरली टू टाइप्स में क्लासिफाइड है फर्स्ट है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एंड सेकंड है रैपिड वेरिड फ्लो जी एंड आर ओके इसको हमें एक करके देखते हैं क्या क्या है ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है वैन द डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज इज ग्रेजुअली ओवर ए लॉन्ग लेंथ ऑफ चैनल द फ्लो इज सेड टू बी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो ओके इसमें क्या बताया गया है किसी लंबी लेंथ की जो नदी होती है या चैनल होती है उसमें हमारा जो फ्लो का चेंज होता है वो बिल्कुल धीरे धीरे होता है उसकी स्पीड में चेंज होता है ठीक है तो वो हमारा जो फ्लो का चेंज होगा वो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो होगा ओके द फ्लो अपस्ट्रीम ऑफ ए डैम इज़ ट्रेटेड एज जी वी एफ डैम के अपस्ट्रीम साइड में जो फ्लो होता है उसको हम जी वी एफ कंसिडर करते हैं ठीक है अपस्ट्रीम क्या होता है जिस तरफ से डैम के पास पानी आता है उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम साइड और पानी जिस तरफ गिरता है डैम के उस तरफ होती है डाउन स्ट्रीम साइड ठीक है अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम अब आता है रैपिडली वेरिड फ्लो रैपिडली वेरिड फ्लो क्या होता है the flow is said to be rapidly varied flow if the depth of flow changes abruptly over the small length of a channel कुछ ही length में जब उसकी depth flow की change हो जाए तो वो होता है हमारा rapidly varied flow RVF ठीक है the flow over a weir is treated as RVF weir के ऊपर से जो flow आता है तो उसको बोलते हैं हम RVF rapidly varied flow अब इस फिगर के थ्रू हम समझेंगे कि क्या होता है जी वी एफ एंड आर वी एफ ये देखिए ये हमारा एक वियर है इसको हम डैम भी कंसिडर कर सकते हैं तो ये हमारी अपस्ट्रीम साइड है अपस्ट्रीम साइड और ये हमारी डाउन स्ट्रीम साइड ओके तो अपस्ट्रीम साइड से जो पानी आता है ये होता है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो आता है कुछ लंबी डिस्टेंस के लिए और फिर जब हमारा बिल्कुल एज पॉइंट आता है जब उसमें चेंज होने स्टार्ट हो जाता है तब हमारा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो ये कंसिडर किया जाता है और जैसे ही ये डाउन स्ट्रीम साइड में आता है तो ये होता है हमारा आर वी एफ रैपिडली वेरिड फ्लो रैपिडली वेरिड फ्लो के बाद कुछ लेंथ के लिए ये जी वी एफ होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और फिर ये यूनिफॉर्मली हमारा हो जाता है यूनिफॉर्म फ्लो हो जाता है ठीक है एक बार और इसको देखेंगे क्या होता है अपस्ट्रीम साइड से जो हमारा फ्लो आता है तो जो हमारा डैम है या वियर है उस तक उस लिमिट तक पहुंचने तक का जो हमारा लेंथ होती है वहाँ पे हमारी जो फ्लो होता है वो होता है जी वी एफ जी वी एफ कुछ डिस्टेंस ये हमारी जी वी एफ की होगी जिसमें हमारा फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे चेंज होंगी धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी इसकी फिर जैसे ही ये पानी नीचे गिरता है डैम से या फिर वियर से ऊपर से नीचे गिरता है तो इसमें बहुत स्पीड से चेंज होता है और उसकी स्पीड में भी जो विलोस्टी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है फिर उस टाइम के फ्लो को बोलते हैं रैपिडली वेरिड फ्लो ठीक है रैपिडली वेरिड फ्लो के बाद ये कुछ टाइम के बाद जी होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो धीरे धीरे ये वेरी करता है और कुछ टाइम बाद यूनिफॉर्म हो जाता है ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया होगा जी वी एफ और आर वी एफ क्या होता है अब देखते हैं डिस्चार्ज थ्रू एन ओपन चैनल ओपन चैनल के थ्रू जो डिस्चार्ज होता है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद होगा इसको आप यही याद है तो यह इसको याद कर लीजिए क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी क्यू हमारा है डिस्चार्ज ए है हमारा एरिया ऑफ चैनल एंड वी है विलोस्टी ऑफ फ्लो ठीक है क्यू इज इक्वल टू एरिया एंड टू विलोस्टी ओके तो हम अगर हमें चैनल का एरिया पता है और वहाँ पे जो पानी बह रहा है उसकी विलोस्टी पता है तो हम उसको डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है अगर अब हम इसमें एक चीज़ जो हमारी इक्वेशन है उसका यूज़ करते हैं उसने क्या दिया था वी जो विलोस्टी है उसकी हमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं C अंडर रूट एम आई ठीक है C हमारा चीजेस कॉन्स्टेंट होता है M हाइड्रोलिक रेडियस और I हमारा स्लोप होता है ठीक है इसके थ्रू हम विलोस्टी कैलकुलेट कर सकते हैं अब विलोस्टी की वैल्यू जब हम क्यू में डालते हैं इस इक्वेशन में इसको पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हमारी हो, हो जाती है एरिया इनटू सी अंडर रूट एम आई ओके अब हमने क्या किया ए इंटू सी अंडर रूट एम की जगह हमने के की वैल्यू पुट कर दी ये रिलेशन हमने इसमें पुट कर दिया और इससे ये ड्राइव हो गया ऐसा फाइनल हमारा जो रिज़ल्ट आया वो आया केव इज टू के अंडर रूट आई के क्या है के इज नोन एज कन्वेंस ऑफ द चैनल एंड इट इज़ मेजर ऑफ केयरिंग कैपेसिटी ऑफ चैनल चैनल की केयरिंग कैपेसिटी कितनी हो सकती है तो उसके कैलकुलेशन में हम के की वैल्यू का यूज़ करते हैं केव अंडर रूट आई ये हो हमारा फाइनल रिलेशन अगर आपको विलोस्टी नहीं पता है तो आप विलोस्टी यहाँ से निकालिए ओके एम okay, आपको पता लग जाएगा हाइड्रोलिक रेडियस आई आपको पता लग जाएगा सी की वैल्यू हमें कहाँ से पता लगती है तो सी की वैल्यू के लिए हम पता करते हैं दो हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूलेज होते हैं क्या क्या होते हैं देखिए दो हमारे फॉर्मूले हैं मैनिंग्स फार्मूला और कटर्स फार्मूला मैनिंग्स फार्मूला क्या है ये सी इज इक्वल टू वन बाई एन एम की पावर वन बाई सिक्स इसमें आप जब वैल्यू पुट करते हैं एन इसमें क्या है मैनिंग्स कॉन्स्टेंट और आई हमारा स्लोप आपको पता है और एम है हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक डेप इनकी वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और अगर आपको फिर भी सी की वैल्यू कटर्स फॉर्मूले से पता करनी है तो उसका फार्मूला ये है ट्वेंटी थ्री प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन फाइव फाइव डिवाइड बाई आई प्लस वन बाई एन ओके और डिनोमिनेटर में है इसका वन प्लस ब्रैकेट में ट्वेंटी थ्री प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन फाइव फाइव बाई वन ब्रैकेट क्लोज इनटू एन डिवाइड बाय अंडर रूट एम ओके ये सॉरी ये बाई मिस्टेक वन प्रिंट हुआ है ये आई है आई इसको आप आई नोट कीजिए ये है आई स्लोप ऑफ बेड जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन फाइव फाइव डिवाइड बाई आई इंटू एन डिवाइड बाई अंडर रूट एम ओके तो ये हमारा कटर्स फॉर्मूला इसके थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ सी ओके okay, तो ये दो मेथड थे हमारे टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सी मैनिंग्स फार्मूला एंड कटर्स फार्मूला मैनिंग्स फार्मूला एंड कटर्स फार्मूला ओके अब नेक्स्ट आता है मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन हमने क्यों बोला है क्योंकि किसी को चैनल भी किसी भी चैनल को कंस्ट्रक्ट करते वक्त जो उसकी एफिशिएंसी को कम रख बढ़ाए और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको घटाए तो उस चैनल सेक्शन को हम बोलते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल ओके ये हम कैसे करते हैं देखिए मोस्ट इकोनॉमिकल जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम कर देता है मिनिमम हो जाए और सेक्शन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए तब होता है हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल ठीक है दो इसमें दो कंसिडर दो कंडीशंस होती हैं जैसे कि फर्स्ट हमारी होती है मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल रेक्टेंगुलर चैनल के लिए दो कंडीशन है फर्स्ट ये है विड्थ ऑफ चैनल शुड बी ट्वाइस इट्स डेप्थ ऑफ फ्लो ठीक है ये हमारी डेप्थ डी तो डी हमारी जो है डेप्थ वो हमारी टू टाइम्स होनी है अबाउट बी बी हमारी इक्वल होगी जब टू टाइम्स ऑफ डी तो मोस्ट इकोनोमिकल चैनल सेक्शन होगा और सेम ऐसा ही जब हाइड्रोलिक रेडियस हमारी होगी हाफ ऑफ डेप्थ ठीक है हाफ ऑफ डेप्थ यानी कि एम हमारा होगा डी बाई टू तो ये दो कंडीशन जब हमारी फुलफिल करेंगी तो हमारा जो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन होगा वो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन होगा ठीक है ऐसा ही केस जब हम ट्रेपर चैनल के लिए आते हैं तब उसमें क्या है टॉप विर्थ ऑफ चैनल का हाफ इक्वल होगा किसी भी एक साइड की डिस्टेंस के तब हमारा होगा मोस्ट इकोनोमिकल चैनल सेक्शन द कंडीशन ऑफ ट्रेपरियल सेक्शन टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल इज दैट हाफ ऑफ द टोप वेड टोप वेर्थ का हाफ ऑफ चैनल मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ द स्लोपिंग साइड वन ऑफ द स्लोपिंग साइड अब स्लोपिंग साइड जो हमने पहले भी देखा था बी से डी और डी से सी की डिस्टेंस जो होती थी हमारी वो होती है डी अंडर रूट वन प्लस एन स्क्वेयर ठीक है तो ये डिस्टेंस हमारी इक्वल होगी जब टॉप विड्थ टॉप विड्थ है हमारी ये जो कि है b प्लस टू डी डिवाइड बाई टू इसके इक्वल होगा तो हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल चैलेंज एक्शन होगा और दूसरी कंडीशन क्या होगी जब हाइड्रोलिक रेडियस हमारी होगी हाफ ऑफ इट्स डेप्थ डेप्थ के हाफ होगा तब हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन होगा ये तो बिल्कुल सेम है हमारी रेक्टेंगुल सेक्शन की इक्वलेंट नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर सेक्शन सर्कुलर सेक्शन के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल कब होगा इसमें भी दो कंडीशन हैं दो केस हैं फर्स्ट कंडीशन है फॉर मैक्सिमम विलोस्टी ऑफ फ्लो जब हमें मैक्सिमम विलोस्टी ऑबटेन करनी है तब हमें क्या फुलफिल करना होगा डेप्थ हमारी होगी वो डायमीटर के पॉइंट एट वन परसेंट होगी उिडी पॉइंट जीरो पॉइंट एट वन टाइम्स होगी ठीक है तो ये हमारी कंडीशन है फर्स्ट डेप्थ हमारी फ्लो की वो इक्वल होगी जीरो पॉइंट एट वन टाइम्स ऑफ डी तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो मोस्ट इकोनॉमिकल होगा और दूसरी कंडीशन हमारी क्या होगी एम जो होगा हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मेन डेप्थ हमारी जीरो पॉइंट थ्री जीरो डी ठीक है और दूसरी कंडीशन हमारी क्या होगी जब मैक्सिमम डिस्चार्ज हमें ओब्टेन करना हो मैक्सिमम डिस्चार्ज हमें लेना हो तब उसकी कंडीशन क्या होगी डेप्थ ऑफ फ्लो शुड बी जीरो पॉइंट नाइन फाइव डी एंड हाइड्रोलिक रेडियस हमारी कितनी होगी जीरो पॉइंट टू नाइन डी ठीक है तो ये दो कंडीशन जब फुलफिल करेगा तो हमारा सर्कुलर सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल होगा ओके अब नेक्स्ट हमारा आता है ये हमारा लास्ट टॉपिक है हेड लॉस इन ओपन चैनल ओपन चैनल में हेड लॉस क्या होते हैं इसमें भी वही होते हैं फ्रिक्शन होते हैं जो कि वाटर का और साइड बाउंड्री के बीच में फ्रिक्शन होता है ये हमारा बिल्कुल सेम होता है जो हमने पहले भी पाइप के, के केस में पढ़ा है डारसीज और चीजिस फॉर्मूले हमने पहले भी पढ़े हैं इसको हम लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बोलते हैं और इसका रिलेशन ये होता है फ्रिक्शनल लॉस इज इक्वल टू फोर एफ एल वी स्क्र डिवाइड बाई टू जी डी ओके ऐसे ही हमारा हेड लॉस होते हैं ड्यू टू एक्सपेंसन तो उसका रिलेशन ये है हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन उसका रिलेशन ये है हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन तो उसका रिलेशन ये इन सभी रिलेशन से हम इसमें जी कितना भी फ्रिक ये हेड लॉस हो तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओके ये आप चैनल देख सकते हैं आगे जाके ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और अगर इस डायरेक्शन में हम चले तो आगे जाके ये एक्सपेंड हो रहा है ठीक है तो ये दोनों केस हम चैनल सेक्शन से स्टडी कर सकते हैं फ्रिक्शन लॉस एक्सपेंशन लॉस कॉन्ट्रैक्शन लॉस एंड ऑब्सट्रक्शन लॉस इन सभी लॉस के थ्रू हम कितनी इसमें एनर्जी का लॉस होता है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं और अच्छी लिए अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव ए गुड डे